साथियों साथियों, ईश्वर और अल्लाह एक ही है। जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे परिंदों को नींद में कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर इंसान को कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ अल्लाह और ईश्वर का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। साथियों, गुड मॉर्निंग, आभार, अभिनंदन, जोहार, सलाम अलैकुम, और ख़ास करके दिल्ली और पंजाब वासियों के लिए सत श्री अकाल। तो साथियों, 29 तारीख ठीक 10 से 11 बजे बीच रेलवे स्टेशन में हम रहेंगे। जिन किन्हीं सब्सक्राइबर व्यूअर को मिलने की दिली ख्वाहिश हो, वो हमसे मिल सकते हैं। और वहाँ से 29 तारीख 5 बजे हरियाणा स्टेट के अंतर्गत अवस्थित सिरसा डिस्ट्रिक्ट, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में डब्बीवली बोल के एक जगह है जहां हमें जाना है। तो जितने भी पंजाब से जुड़े हुए हमारे फैंस हैं, ख़ास करके सब्सक्राइबर हैं, दिल्ली से जितने भी जुड़े हुए फैंस हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको अगर इच्छा हो तो 29 तारीख 29/4/2019 सुबह 10 से 11 बजे बीच दिल्ली, और 29 तारीख हरियाणा ठीक शाम 5 बजे हम पहुंच जाएंगे। तो साथियों, एक उड़ने वाला सांप, ये उड़ता है, देखिए ये सांप किस तरह उड़ता है, आज इसका हम खुलासा करने जा रहे हैं। तो साथियों, मुझे मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई है, बेटा कोई हाथ से छीन के ले जा सकता है। साथियों, मुझे मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई है, बेटा कोई हाथ से छीन के ले जा सकता है पर नसीब से नहीं। तो साथियों, देखिए उड़ने वाला सांप, बहुत कम रेस्क्यूअर इसे रेस्क्यू कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी फुर्तीला होता है ये ब्रोंज बैक ट्री स्नैक। साथियों, जिस प्राणी में पंख नहीं है, उड़ने की क्षमता नहीं होती है। ब्रोंज बैक में पंख नहीं है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता है। एक डाली से दूसरे डाली ये जंप करता है। इस सांप का मुख आहार क्या है? छोटा छोटा स्मॉल फ्रॉग और लिजर्ड को ये बड़ा आसानी से खा लेता है। तो यही है, हिंदी में इसे शायद बांस जोड़ के नाम से जानते हैं, बहुत सारा नाम है। और अगर इंग्लिश में जाओगे तो यही है ब्रोंज बैक ट्री स्नैक। देखिए साथियों, ध्यान से दिखलाइए, कहीं कहीं सूरज का रोशनी से ये ब्लू ब्लू भी हो जाता है। और अगर हाथ से सर छूट जाए तो तुरंत जंप कर जाता है। लोग समझते हैं कि ये उड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये उड़ता नहीं है। एक डाली से दूसरे डाली जंप करता है, देख रहे हैं ना, ये हवा में एक डाली से दूसरे डाली जंप करता है, उड़ता नहीं है। और ये सर बिल्कुल नॉन वेनमस, इस सांप में थोड़ा सा भी जहर नहीं होता है। तो साथियों, जिन किन्हीं सब्सक्राइबर व्यूअर को हमसे मिलने की अगर इच्छा कर गई है, तो 29 तारीख सुबह 10 से 11 बजे बीच दिल्ली रेलवे स्टेशन में हम रहेंगे। हम खुश नसीब हैं कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं, हम खुश नसीब होंगे कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा सांप, हर सेकंड जीभ को लपलपाना और जीभ से रेडिएशन, वाइब्रेशन, ध्वनि तरंग, वायु तरंग को फील कर लेना। तो साथियों, हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। इन्हीं साफ शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।